आश्विन मास में मनाए जाने वाले नवरात्र पर्व को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तैयारी की जा रही है। मंदिरों में रंग रोगन के साथ अनुष्ठान के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। इस बार अनेक देवी मंदिरों में हजारों की संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। 26 सितंबर से नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है। शक्ति की आराधना के लिए इस दौरान अनुष्ठान करने की विशेष परंपरा है। इस पर्व को लेकर जिले के देवालयों में आवश्यक तैयारी का सिलसिला जारी है। मंदिरों की सजावट करने के साथ श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए स्थानीय स्तर पर काम किया जा रहा है। सर्वमंगला मंदिर का प्रबंधन इस पर्व के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। पंडित योगेश उपाध्याय ने बताया कि हजारों की संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाने की संभावना है। अब तक काफी संख्या में लोगों ने इसके लिए रुचि दिखाई है। नवरात्र 26 तारीख से प्रारंभ हो रही है, 4 तारीख तक चलेगी, नवमी पड़ेगी 4 तारीख। और अभी हमारे यहाँ तेल का 5,700 रसीद कट चुका है और 700 भी कट चुका है। इस बार पाबंदी हटने के कारण से मेरे को तो लग रहा है कि भक्त अगर चढ़ बढ़ के माता रानी का दर्शन करेंगे और दर्शन का लाभ उठाएंगे, इस बार भीड़ काफ़ी संख्या में रहेगी। मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना के साथ साथ नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती के पाठ के अलावा देवी भागवत कथा का वाचन होगा। नवरात्र का समापन कन्या भोज और कलश विसर्जन के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।